टाइम मैनेजमेंट बिटवीन सब्जेक्ट्स में ये होम स्टडी में आ जाता है। ठीक है नहीं वो छोटा है टाइम मैनेजमेंट इन सब्जेक्ट बिटवीन सब्जेक्ट्स। पोजीशन वाली बात मतलब अपन यू बोल सकते हैं होम स्टडी में सिटिंग हैबिट में आ सकता है हो ना। और यहाँ पर करेक्ट वेज मतलब इसीलिए अपन अगर चाहे ना सिटिंग हैबिट में ही अपन उन सब चीजों को इन्वॉल्व करें कि साइड में पानी की बोतल लेके बैठो है ना और उसमें क्या बोलते हैं अपन अच्छे से ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं नहीं ग्लूकोज ये मत करा पानी पिया करो बस एनर्जी एनर्जी ड्रिंक नहीं। ठीक है ना ये क्या करती है ना अपने इमोशंस को ऊपर नीचे ले जाती है। तो थोड़े देर के लिए ऊपर रहोगे खूब सारे देर के लिए नीचे रहोगे जमीन पर। ठीक है ना ये टाइम मैनेजमेंट बिटवीन सब्जेक्ट्स। और क्या लगता है आपको अच्छा हाँ हेल्थ में आपको वर्कआउट वगैरह का मतलब फिजिकल एक्टिविटी अपन लिख सकते हैं पता हो बताओ और हाँ डालना या सुबह नहीं उठा जाता वो स्लीपिंग हैबिट में आ गया और शुरू हो जाता है मतलब वो पानी वगैरह की दिक्कत है ना वो सब है। और अपने थोड़ा एकेडमिक पोर्शन पे जाओ जैसे क्लास का हो गया होम स्टडी का हो गया फिर जिसके बाद अपने पास बीच में टेस्ट भी आता है बेटा। ठीक है अच्छा बताओ टेस्ट के बीच में आपका यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है टेस्ट। अब टेस्ट में कमियां नहीं निकालनी आपको ध्यान रखना अच्छा वो भी निकालनी है चलो अपन तो अलाउ करते हैं फिर आपको क्या लगता है देखो मैच्योरिटी से बोलना ये मत बोलना कि सर टेस्ट आसान कर दो सो सो नंबर आए सब बढ़िया नहीं उससे काम नहीं चलेगा। जो चीज देखो चीटिंग का बहुत बड़ा दिक्कत अच्छा फोन अलाउंगी अच्छा फोन का क्या दिक्कत लगता कि फोन परफेक्टली अवॉइड किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा ऐसा नहीं है छोटी फोन से सही रहती है कोई बात पर जो रियल है वो तो रियल है यार क्या किया मतलब जो चीज आप समझो कि जो वहाँ एग्जाम में जो हो रहा है उस रियलिटी को अपन कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते वो सब वही तो आपको सीखना है बेटा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आपको काम करना है तो कभी ऐसे डब्बा बोलना करो आप समझ लो ना इसके पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए इसके इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए वो हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ये वाली चीज भाई टेस्ट में क्या होता है ना दिमाग काम करना बंद कर देता है मतलब टेस्ट में जो आपको ऑलरेडी सवाल आता है कंसेप्ट आता है ठीक है वो आप करेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते ऐसे बोल सकते हो। ठीक नॉन कंसेप्ट कैन नॉट बी ओए बस करो फोकस मत ए YouTube पे मत डालना अच्छा और बोलिए मार्क्स आने या पेरेंट्स का क्रेडिट सर ओवर अटेम्प्ट नहीं मतलब आपको ये ओवर अटेम्प्ट अंडर अटेम्प्ट ठीक है ना फालतू का अटेम्प्ट लेस अटेम्प्ट वो सब का मतलब है एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। ठीक है भाई यही सारी चीज आता है ठीक है एग्जाम एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी बोलो क्लियर है अच्छा और बताइए
डीमोटिवेशन अगेन वो चीज आ गया, एग्जाम के बाद आपको डीमोटिवेशन होता है, 3-4 दिनों के लिए होता है डीमोटिवेशन आफ्टर एग्जाम। और बोलिए, एनालिसिस ऑफ मिस्टेक, सबसे बढ़िया चीज ये बोला, और बोलिए एग्जाम देते टाइम टूट गई है ना। और पहुंचाएंगे ऊपर तक, बात पहुंचाने की नहीं है, जो एसडीएम तक जो दुख दर्द है ना, समझो ये चीज, मैं वो वाली चीज नहीं लिख रहा हूँ जो यहाँ पर हो रही है और जो वहां पर भी हो सकती है। याद रखना, हमारे टाइम पर भी ये सब बोला जाता था, स्पेशली एक सर थे हमारे संघर्षण त्रिपाठी सर, मतलब बहुत बढ़िया सर थे, वो सीधी सीधी बात बोलते थे। वो ये बोलते थे कि देखो, तुम एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें 5 मिनट पहले ओएमआर दे दी जाए, 9 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है, 8:55 पर तुम्हें ओएमआर दे दी जाए, समझ रहे हो ना, 8:55 पर कि तुम 5 मिनट समय ले लो और भर लो खुद की ओएमआर। ऐसा हर एग्जामिनेशन रूम में आने वाला बंदा, हर इनविजिलेटर जिसे जब बोलते ना क्या होती है, वो जरूरी नहीं है इतना उदारवादी, कई बार सनकी लोग होते हैं, कई बार क्या लोग करते हैं ना, 9 बजे आपको वो देंगे ओएमआर, है ना, और एग्जैक्टली 9 से अगर 12 का पेपर है ना, ठीक है ना, तो उसी के बीच में आपको ओएमआर भी फिल करनी है, आपका वो क्या बोलते हैं, आपको खुद के नाम नंबर को उसी में लिखना है, तो आपके कम से कम 5 से 10 मिनट जाते हैं, कई बार वो ज्यादा समय दे देते हैं और कई बार नहीं देते, तो ऐसी जो कंटिजेंसीज होती है ना, ऐसी दिक्कत आती, उनके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। आपने कंप्यूटर वाली बात बोली, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है बेटा। तो जैसा रियल यहाँ चल रहा है वैसा ही वहां होगा, कोई परफेक्ट चीज नहीं मिलेगी। आपकी ओएमआर में यहाँ गलती हो रही है, वहां भी होगी, क्योंकि आपको ये सुधार नहीं है, नहीं वो चीज से आप बोल सकते हो कि वहां पर ऐसा काम, और इनफैक्ट यहाँ पर भी नहीं होता है। और एक्चुअली उससे फर्क देखो, चीटिंग के मामले में मेरा ओपिनियन ये है ना कि जो लोग चीटिंग करते हैं, 2-4 बार उनका परसेंटेज ऊपर आ जाए, अच्छा पेज मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पढ़ने वाला है वही पढ़े, अच्छे पेजेस में 2-3 अच्छे पेजेस में, मतलब हर जगह टीचर अच्छा ही होता है, और मैंने ये माना है जो पढ़ने वाला होता है वो पढ़ लेता है, ये वाली चीज को ध्यान रखो। आपकी ये दिक्कत है, देखो एनालिसिस करना तो मतलब आपको एक चीजें बतानी है, ठीक है, कि क्या क्या किस तरीके से एनालाइज किया जाए सवाल, ठीक है, बात आ जाती है शॉर्ट में इंफॉर्मेशन की, जिसे आप शॉर्ट नोट्स बोलते हैं,